भाई मॉड्स तो ना असली इन तीनों की है, देखो तीनों नहीं सॉरी चारों, पांचों की, पांचों के पांचों कैसे चल रहे हो। ब्लैक वाला तो आराम से खड़ा हुआ, देखो ओ तेरी बहुत सारी हैं ये, एक आधा नहीं है, बहुत हैं ये तो। यार पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से ना मेरी नेक में बड़ा ही यूनिक सा पेन हो रहा है, मतलब जिसको अपन लोग सरल भाषा में पटाखे निकलना कहते हैं वो तो निकल रहे हैं, बट भाई वो ना काफ़ी दर्दनाक निकल रहे हैं। ऐसे ऐसे भी कर रहा हूँ ना, और यहाँ से पेन ना यहाँ तक जा रहा है। पहले तो मैंने व्लॉग में नहीं बताया ये, बट यार आज ना बहुत ही गंदा पेन हो रहा है, और बल्कि तो मैंने तो तकिया भी एक लेना शुरू कर दिया पिछले दो दिनों से, बट कुछ ज़्यादा मदद नहीं करी उस चीज़ ने, कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करी, मतलब ठीक नहीं हो पा रहा ये। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। अब या तो इसके लिए कायरोप्रैक्टर को दिखाना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक या स्पेशल मेडिसिन लेनी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली तो ठीक दर्द था, इतना माड़ा नहीं था, बट धीरे 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 डे बाय डे सॉरी नाइट बाय नाइट हर रात को ना हल्का हल्का ये पेन बढ़ रहा है। अच्छा रात को बढ़ रहा है तो मेरे को लगा पिलो करके हो सकता है, मैंने पिलो एक लेना शुरू करा, बट कोई मदद नहीं हुई। बट चलो अभी तो तुम लोग ये ज़रूर सोच रहे होगे कि सुबह सुबह 5 बजे 5:30 बजे, हाँ अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, तभी देखो प्रीतन दे रहा है उदय अपने ऐसे दुख रहे क्यों रो रहा है, क्यों इतनी सुबह सुबह उठ के ऐसे हमको भी डिप्रेस कर रहा है, खुद भी डिप्रेस हो रहा है। एक्चुअली अभी थोड़ी देर तक अपन लोगों का माता मनसा देवी मंदिर मत्था टेकने जाने का है, और आज बहुत ही कम ऐसा होता है, पहली बार तो नहीं कहूँगा बट बहुत कम ऐसा होता है कि मैं पहले तैयार हो गया हूँ और पापा अभी तक तैयार नहीं हुए। 6:15 बजे अपन लोगों के निकलने का टारगेट था, 5:30 ऑलरेडी हो चुके हैं एंड मैं फुल्ली रेडी हूँ, देखो एकदम स्वेटशर्ट वगैरह डाल के नहा धो के नोना बाबू बन के। बट पप्पा को मैंने उठाया कि हाँ नहाने जाओ तुम, तुमने जाना है हमने मंदिर जाना है। सो आज का सीन है थोड़ा सा यूनिक हो गया, आई गेस मैं इसके ऊपर एक और कोई स्वेटशर्ट या जैकेट डाल के जाऊँगा क्योंकि ठंड हो रही है ठीक ठाक बाहर। अभी तो बस पप्पा की वेट करते हैं, जैसे ही पप्पा नहा धो के तैयार होते हैं फिर अपन लोग निकलते हैं, और तुम लोग को भी निकलते टाइम ही मिलते हैं। यार एक तो जब जब मैं ऐसे पुंडी पे या टू व्हीलर पे ब्लॉग करता हूँ ना, मेरे को साला एक ही चीज का डर लगा रहता है कि कहीं विंड नॉइज ना आ जाए। मैं तो काफी हद तक यूटिलाइज करना सीख लिया है मैंने विंड नॉइज को एडिटिंग के टाइम पे, बट यार वो प्रो लेवल नहीं आया अभी तक, वो मास्टर लेवल नहीं है अभी। हाँ एक एक चीज हल्की सी भी विंड नॉइज ना है वो आई गेस कोई पॉसिबल है ही नहीं विदाउट एन एक्सटर्नल माइक, बट चलो कोई ना। एनी विच वेज अभी जो है मैं और पापा तैयार होके माता मनसा देवी के लिए तो निकल लिए, तो फटफट चलते हैं, चल के मत्था टेकते हैं। और मैंने ना ठंड को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, हो रही है भाई, मतलब नाक नूक बंद हो गया, सर पे ठंड लग गई और ठीक ठाक मौसम हो रखा है। और एक बार तुम इस टाइम राइट साइड पे आसमान की लाली चेकआउट करो, अभी भी फोन मेरे को पीछे करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ विंड नॉइस, बट हाँ 2 सेकंड चुप रह के तुम विंड नॉइस का आनंद लो और लाली चेक। मेरे को उम्मीद है जब अपन लोग माता मनसा देवी ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे ना तो बहुत प्यारा व्यू आएगा, बस जब तक ये ना हो सनराइज ना हो जाए फिर यार थोड़ा वो मैग्निफिसेंट सा व्यू नहीं आएगा, आएगा वो भी अच्छा व्यू, बट अभी का तो जुम्मेश्वर व्यू है। ये वैसे एक वेरीफाइबल फैक्ट है, बुर्ज खलीफा में भी ऐसा सही सिस्टम है कि तुम 2 बारी सनसेट देख सकते हो, मतलब 3 मिनट का डिफरेंस होता है उसमें, एक टाइम को नीचे को एक टाइम को ऊपर को, 3 मिनट के अंदर तुम लोग टॉप फ्लोर पे पहुंचोगे ना तो तुम बड़ा प्यारा 2 बारी सनसेट देख सकते हो। और बातें करते करते अपन लोग माता मनसा देवी पहुंच गए, तो फटफट चलते हैं देखते हैं ऊपर का क्या सीन है, मतलब इस पत्थर पे पैर रखते ही पैर की ऐसी हालत होगी ना, ऐसा लग रहा है यहाँ नीचे जो पैर का निचला भाग है ना वहाँ से ऊपर को ठंड जो है उठ रही हो, वेपोरेट करता है, वेपोरेट कर रही हो, क्या क्या हो रहा है, बहुत ठंड है यार। और एक बार यहाँ से मंदिर चेकआउट करो कितना प्यारा लग रहा है।
जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। अपन लोग जैसे ऊपर गए आसमान की लाली खत्म होगी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ओवरऑल ऑलमोस्ट एरिया सारा ना कवर्ड ही था, साइडों पे बहुत ही लंबे लंबे वॉल्स है, और ये मैंने कभी नोटिस नहीं करा। आज जब जरूरत थी ना भी, हाँ मैंने वो देखा तभी नोटिस करा, अच्छा यहाँ पे ये ऐसा सब बन रखा है। बट चलो कोई ना, एनीवेज वे सभी जो अपन लोग, हरी लाइट कितनी गंदी आंखों में पड़ रही है। एनीवेज वे सभी जो अपन लोगों ने माथा तो टेक लिया है और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। अब फटफट चलते हैं, चल के फटाफट घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि अब तो यार ठंड लगने लगी, मतलब पैर तो ना बिल्कुल जम चुके, ऐसा लगता है पत्थर बन जाएंगे थोड़ी देर में बर्फ वाले। ओहो भाई, ये तो ना घर आके पता लगता है भी अपना घर कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं ठंड को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, बट इस ठंड ने ना मेरे गर्दन की दोबारा से ऐसी की तैसी फेर दी। मेरे को लग रहा है मेरे को कोई मरहम वगैरह आज रात तक लगानी पड़ेगी, अदरवाइज मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। बट चलो कोई ना, एनी विच वेज बैकग्राउंड देखे तो तुम लोग समझ ही गए होगे, अपन लोग घर वापस आ चुके हैं और कहना ही चाहिए बट ना मेरे नाक से घी निकल रहा है। सो हाँ, अभी तो ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, मैं अपना घी वगैरह साफ करता हूँ और तुम लोगों को आराम से नेक्स्ट फ्रेम में मिलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जाता, बहुत वियर्ड हो जाएगा जो इस फ्रेम में ऐसे घी निकल आया नाक से। भूख भूख भूख, ये जो है सुबह सुबह 5 बजे उठने के बाद इस टाइम पे भूख लगती है ना भाई साहब, इसका इलाज ना कोई चीज नहीं कर सकती। मतलब जितना मर्जी खा लो, जो मर्जी कर लो, बट ये भूख मिट ही नहीं सकती। बट फिर भी इस भूख का थोड़ा सा इलाज करने के लिए अभी मैं और दीदी जा रहे हैं सेक्टर 7 पंचकुला ब्रेड लेने के लिए। वैसे तो आज ब्रेकफास्ट में मम्मी ने काफी बढ़िया आलू गोभी बनाई है, जो कल गोभी डंठल की सब्जी थी वो भी है, आलू गोभी भी है और परौंठियां भी है। बट यार वो सब कुछ तो तभी खा पाएंगे जब काम वाले आंटी, सफाई वाले आंटी सफाई करके जाएंगे। सो उससे पहले अपन लोगों का यही प्लान बना है, अभी अपन लोग चुपचाप जाके ब्रेड लेके आएंगे और ऐसे ही तो सिर्फ ब्रेड ही खा लेंगे सेक के। तो फटफट चलते हैं अपन लोग, वैसे मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं है, ब्रेड लेके आते हैं फिर घर चल के आराम से ब्रेड सेक के खाएंगे। भाई मौज तो ना असली इन तीनों की है, देखो तीनों नहीं सॉरी चारों, पांचों की, पांचों के पांचों कैसे चल रहे हो। ब्लैक वाला तो आराम से खड़ा हुआ, देखो ओ तेरी बहुत सारी हैं, ये एक आधा नहीं है, बहुत हैं ये तो। अभी ना मैं ना मार्केट आया था सैंडविच वगैरह खाने के बाद, सॉरी टोस्ट वगैरह खाने के बाद, और मेरा ना कोई ऐसा ब्लॉग करने का प्लान नहीं था, बट जैसे ही देखे ना यार ये कुछ यूनिक चीज़ है, ये तो ब्लॉग में दिखाने चाहिए। बट चलो कोई ना, एनी विच वे भाई बहुत ही वियर्ड चीज थी वो। पहले तो मैं सोचा कि यार खड़े कैसे हैं यहाँ पे, बट फिर देखा अंकल ने बड़े साइंटिफिकली अभी लोगों को टका रखा है। और जो कि अपना मार्केट का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस एक अपन लोगों ने रिसाइकलेबल प्लास्टिक लेने हैं, तो फटफट चलते हैं, चल के वो लेते हैं, फिर घर चल के आराम से अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि फिर सफाइयाँ भी हो चुकी होंगी। फाइनली अभी जो है अपन लोग मार्केट का काम निपटा के घर तो वापस आ चुके हैं। एंड सही बात बताऊँ, रिसाइकलेबल प्लास्टिक मिलना थोड़ा सा औखा होता है, क्योंकि अब नॉर्मल प्लास्टिक तो बैन है और वैसे भी हर कोई थोड़ा सा टेंशन रहता है भी ये प्लास्टिक पे भी चलान ना हो जाए। बट भाई एट द एंड अपन लोगों को रिसाइकलेबल प्लास्टिक जिस पे चलान ना हो और जो एनवायरमेंट के लिए सेफ हो वो मिल चुका है, और जिस काम के लिए चाहिए था, स्पेसिफिक साइज का चाहिए था, वो भी मिल चुका है। और मजे की बात है किसी प्लास्टिक शॉप से नहीं मिला, वो जो वो प्लास्टिक वगैरह का सामान ढूंढने वगैरह का काम करते हैं, अपने को किराने की शॉप से मिला। बट चलो एट द एंड मिल जरूर गया, तो ये बढ़िया हुआ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अभी घर आके अपन लोगों का ब्रेकफास्ट भी अपने सामने आ चुका है दोपहर के 1 बजे। वैसे उसको लंच ही कहना सही रहेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट में तो अपन लोगों ने वो ब्रेड से खाए थे, जिसमें ये आलू गोभी देखने से नहीं लग रहा होगा, बट ये ना कुकर वाली आलू गोभी है जिसको अच्छे से मैश करके बनाते हैं, और साथ में फुल्का। वैसे शायद साथ शाम में दोबारा से अपन लोगों का चंडीगढ़ कुछ काम निपटाने जाने का है, तो पहले तो फटफट इसको खत्म करते हैं, फिर तुम लोगों को आराम से शाम में ही मिलते हैं। शाम का जैसा भी प्रोग्राम होगा वो तुम लोग आप पे देख ही लो।
भाई मेरी ना कमर की लेजिट बैंड बज चुकी है। कल या परसों पक्की बात है प्रायोरिटी पे कायरोप्रैक्टर को दिखाऊंगा। मेरी ना मतलब गर्दन तो गई बहुत बुरी तरीके से भी। बट चलो कोई नहीं, एनीवेज वैसे तो काफी लोगों को पिछले फ्रेम समझ में आ गए होंगे, बट जिन जिनको नहीं समझ में आए वो क्या, मैं तुम लोगों को बताया मैं चंडीगढ़ काम निपटाने जाना था, वो मैं गया बिन बताए, सिर्फ वो जो वो मोन्टाज है वही लिया और आ गया घर वापस ले लू के काम करके। तो अब ऑलमोस्ट शाम के 7:30 बज चुके हैं, अपन लोग अपना जूस एंजॉय कर रहे हैं, गुआवा जूस। अपन लोगों के पास दिखाने कुछ नहीं बचा, तुम लोगों के पास देखने कुछ नहीं बचा, तो इसी नोट पर करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूँ तुम लोग आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नवी जेनिक नवी एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।